देखिए जी, इस वक्त ये एक शीट पे आपसे शेयर भी कर दूंगा अभी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो रिजल्ट शीट जो 2018 में एक एक पार्टी लड़ती थी, उस वक्त पीडीएम क्या थी और अब पीडीएम ने क्या वोट लिए। एनए 22 मरदान में 2018 में पीटीआई विनर थी, 58,557 वोट लिए थे, पीटीएम ने लिए थे 1,33,524। 58,000 में शीट शेयर कर दूंगा। और 2022 में पीटीआई ने लिए हैं 76,000 कुछ, और 1,33,000 से सुकड़ कर पीडीएम आ गई है 68,000। मतलब ये वो है एनए 24,400 2018 में पीटीआई थी 83,000 और पीडीएम थी 1,14,000। इस दफा अगेन वी आर विनर, हमें 78,000 और पीडीएम अगेन 68,000, आधे से भी कम। एनए 31 पिशावर 2018 पीटीआई 87,000 और पीडीएम 70,000, पीटीआई 59 के ऊपर जीती और पीडीएम 34,000। उसके बाद एनए 108 फैसलाबाद 1,12,000 पीटीआई जीती थी और 1,24,000 इनके थे, ये 1,99,000 हो गए, विनर हैं और ये 75,000 के ऊपर आ गए। एनए 118 ननकाना साहब 63,000 हमारे उस वक्त थे और 1,29,000 इनके पीडीएम के थे, अब हमारे चले गए 90,000 और ये अगेन 78,000। एनए 51-57 मुल्तान, उस वक्त पीटीआई 77 थी और 1,38,000 थे ये लोग जी, अब ये पहुंच गए 1,38,000 से, पीटीआई 59 और ये इनके बढ़ गए, सिर्फ 20,000 बढ़े हैं एक जगह, लेकिन फिर भी 1,38,000 से ये किधर पहुंच गए हैं। उसके बाद 237 मलीर कैप्टन साहब की 32,000 वोट हमारे थे, जीते थे और इन्होंने लिए थे 74,000। इस दफ़ा हमारे 22,000, इन्होंने फिर 32,000 वोट लिए, 74,000 से नीचे घट के 32,000 आ गए। एंड 239 69,000 पीटीआई जीती थी और 1,42,000 थे पीडीएम के, इस दफ़ा 46,000 हमने लिए और 14,000 वोट इन लोगों ने लिए हैं। 139 शेखुपुरा, आपको पता है 30,000 पे हम हारे थे, 45,000 इनके थे, अब जाके 37,000 हमने लिए, ये जीत के 40,000 के ऊपर। और खानेवाल 55,000 पीटीआई थी और 69 पीडीएम लेके जीती थी, अब अलहमदुल्ला हमने 71,000 लिए, ये नीचे हार चुके हैं 57 पे। बहावल नगर 48 पे पीटीआई हारी थी, 55 पे जीते थे, अब हमने 58 लिए, उन्होंने 48,000 लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका किरदार है। और एक कल एक चीज़ खबर आई कराची के बल्दियात में, जवाब दूंगा आपका, कराची के बल्दियात इंतखाबात इलेक्शन कमीशन चूँकि पड़ोस में हमारे, वो कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला और सुप्रीम कोर्ट को ख़त में, दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट में ख़त में लिखा है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। चीफ कमिश्नर, आपका जवाब इससे निकल रहा है कि एमक्यूएम ने इनकी शिकस्त देखने के बाद, कि शिकस्त देखने के बाद इनको साबित हो गया कि कराची में इनकी अफसोसनाक शिकस्त ज़रूरी है, शर्मनाक शिकस्त, जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा कैंसिल किए हैं और एमक्यूएम ने ब्लैकमेल करके, कि अगर चूँकि एमक्यूएम का तो राजाऊ ना, उन्होंने कहा कि जी अगर आपने नहीं करा, नहीं वापस किए तो हम आपसे निकल जाएंगे। सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात से भागे हैं, जिनको शिकस्त यकीनी हो चुकी है और ये अपना पूरा सिंध में अपनी गेम समझ, गेम इज़ ओवर, चंद चंद गोटों थे उसके दवा जीत के उन्होंने बताया, तो बल्दियाती इंतखाबात से भागना। अब जो आपने कहा